रामों की रामायण मैं पूरी लिख तो चुका हूं, लेकिन अब मैं किसको सुनाऊंगा ये? अरे वीणा, दर्शना, वीणा, क्या है? आपको चाय चाहिए, खाना चाहिए, बाहर जाने के लिए कपड़े चाहिए, जो चाहिए मैं वो आपको दूंगी, लेकिन आपके हाथ में रखी हुई ये फाइल और इसमें लिखी हुई रामू की रामायण मैं नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। अरे लेकिन तुम मेरी बीबी होके मेरी बात नहीं सुनोगे? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मम्मी भागो। लगता है घर वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे, किसी बाहर वाले को पकड़ना पड़ेगा। आना है किसी को। अरे दया सागर जी। अरे अरे निरंजन तुम ये क्या पागलों की तरह दौड़ लगा रहे हो? नंगे पांव, हाथ में फाइल, ये सब क्या है? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप होश में तो है, लेकिन बात क्या है? ए भाई, अच्छा हुआ तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। कहा था लेकिन लेकिन अभी क्या है? अभी अरे मैं अभी सुनाना चाहता हूँ अभी। लेकिन मेरे पास टाइम है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन नहीं नहीं, सुनना तुम्हें है, मुझे सुनाना है। मगर मेरी बात तो चलो। तो अरे सुनो सुनो सुनो, अरे पहले बैठो तो सही, बैठो तो सही। तो मेरे एकलौता श्रोता निरंजन साहब, शुरू करता हूं राम की रामायण प्रथम कांड उधार कांड। रामू, अरे ओ रामू, रामू, ये रामू तो कमाल का आदमी, पता नहीं दिन भर क्या करता रहता है। आजकल के नौकर तो बस तौबा, मुझे तो लगता है कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर। रामू, अच्छा है दुनिया में मालिक और मालकिन है, नहीं तो मेरे जैसे रामुओं का हाल बेहाल हो जाता। आया सेठ जी। अरे मुझे बुलाया सेठ जी। तो और किसको बुलाया? पहले ये बता, मुझे तेरे पीछे पीछे दिन भर घूमता रहना है? अरे सेठ जी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूमे? आप सेठ हैं, मेरे आगे आगे घूम सकते हैं, मेरी आजू बाजू घूम सकते हैं, ऊपर नीचे घूम सकते हैं, जी घूम सकते हैं। आजकल तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं सेठ जी, जबान तो भगवान ने जितनी दी थी उतनी ही है, देखिए ना। सिर्फ दिमाग है, बहुत ज्यादा फैल गया है। ज्यादा उसी अभी मत देखा, पता नहीं तू दिन भर क्या करता रहता है। तेरे काम मुझे करने पड़ते हैं, समझे? तूने तो मुझे नौकर बना दिया है। ये बता, तेरे में और मेरे में कोई फर्क है कि नहीं? वो देखना पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं है। अब मुझे दो पैर है, आपको दो पैर है, मुझे दो हाथ है, आपको दो हाथ है। आज सिर्फ इतना फर्क है कि मेरे बाल ज्यादा है और आप गंजे हैं। नहीं कमाल कम है। क्या बोला बदमाश? नहीं कुछ नहीं, मैं तो सेठ जी आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ करूं क्या? अच्छा तारीफ कर रहा था। हाँ जी, मैं तो सबको कहते फिरता हूँ कि मेरे सेठ जी कितने अच्छे, मेरा काम वो कर देते हैं। इस दुनिया में बस दो ही महान है, एक मेरा भारत महान, दूसरे मेरे सेठ जी महान। फिर तूने जबान चलाई, क्या अपना काम कर। अच्छा जी, काम होगा तो बुला लूंगा, ये चाय तो पी लीजिए। इतना काम कर दीजिए। ठीक याद आया मुझे, मैंने तुझे अपने पड़ोसी पंडित जी से भगवत गीता लाने को कहा था, ले आया तुम? हाँ
नहीं, वो तो मैं भूल गया। एक दिन तो मुझे जरूर मुसीबत में डाल देगा। अरे अरे देख, इसमें तो मक्खी गिर चुकी है, ले जाए इसे। अरे सेठ जी, आजकल मक्खी का मौसम चल रहा है और इतने छोटे कप में मक्खी नहीं गिरेगी तो क्या हाथी का बच्चा गिरेगा? यूं क्यों नहीं कहता कि ठीक से सफाई नहीं करता? क्या हाथी गिरेगा? क्या मुसीबत है, इन नौकरों को तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। देखो तो कैसा टके का जवाब दे दिया। हे भगवान, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस रामू के बच्चे से। क्या हुआ, क्यों हमारे रामू ने फिर कोई नया कारनामा कर दिखाया? हाँ मारो मारो, तुम भी ताना मारो, तुम क्यों पीछे रहोगी? लेकिन हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे गुस्सा तो करूंगा ही ना मैं। तुम मक्खियां मार रही हो? हाँ? वो भी नई साड़ी पहनकर? हर वक्त आपको मजाक सुनता है। आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। हाँ, इसलिए तुम मक्खियां मार रही थी। मतलब कि इसलिए तुमने नई साड़ी पहनी है? हाँ। ओ डार्लिंग। ओफो। लेकिन 20वीं सालगिरह मनानी तो पड़ेगी ही ना। कुछ नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मैं, आप और दर्शना तीनों मंदिर जाएंगे, पूरी सादगी से मनाएंगे। हाँ, दर्शना तो जल्दी तैयार हो जाए। मैं अभी आ रही हूँ। मक्खियां मार के दर्शना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। मंदिर तो जाना है। तुम्हें तैयार क्यों हूँ? क्या ये कपड़े भी तो अच्छे हैं। तुम नहीं जानती बेटी, आज तुम्हारी मम्मी और मेरी शादी की 20वीं सालगिरह है। थैंक यू बेटे, तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ और रामू को काम सौंप कर मैं भी जल्दी तैयार हो जाता हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी तैयार होके आई। हाँ जल्दी तैयार हो जाना बेटे। देखो वो मम्मी की तरह मक्खियां मारने में तो रुक जाना, जल्दी तैयार हो जाना तुम। ओके पापा, अभी आई। रामो रामो, अरे रामो। क्या बात है? रामू को बुलाता हूँ। देख रामू, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना समझे? घर का ख्याल तो ऊपर वाला रखेगा, थोड़ा मैं भी रखूंगा, मगर ये क्लब जाने की बजाय मंदिर क्यों जा रहे हैं? रामो, आज मेरी और तेरी मालकिन की शादी की 20वीं सालगिरह है समझे? अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसमें बधाई की कौन सी बात है? अरे बधाई की तो बात है ही, आपकी और मेरी मालकिन की शादी 20 साल तक टिक गई। मेरा एक काम करेंगे? मुझे तेरा काम करना पड़ेगा? कौन सा? कुछ पैसे मिलेंगे क्या? मेरे बेटे को न्यूमोनिया हो गया है। देख रहा हूँ, इसके पहले भी बच्चा बीमार है, उस बार ने तुम मुझसे 200 रुपया लेके गया था। लेके गया था कि नहीं गया था? पहले वो रुपये निकाल। अरे सेठ जी, आप में तो नाम जैसे ही गुण है, दया सागर, आप तो दया के सागर है। ठीक है ठीक है, मस्का मत मार, पहले पहले वाले 200 रुपये निकाल। अरे सेठ जी, मुझ गरीब को बोनस दिया था ऐसा समझ लेना, मगर अभी तो मेहरबानी कीजिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है। ठीक है ठीक है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए मैं तुझे रुपये दूंगा। बोल कितने चाहिए तुझे? कितने? 200 रुपये। रामू, ये क्या जरूरी है कि तू हर वक्त मुझसे 200 रुपये ही मांगे? वो तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मांगना पड़ता है ना। क्या क्या बोला? नहीं, ये तो खर्चा तो ज्यादा है, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती किया है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ले 200 रुपये और घर का ख्याल रखना समझे? धन्य है सेठ जी, धन्य है, वाकई आप तो महान है। मुझे 200 दिए, आपके पास सिर्फ 300 ही रहे, कोई बात नहीं, बाद में मानूंगा। हेलो दया सागर यार। हाँ बोल शरद, क्या बात है?
दर्शना कॉलेज से लेट घर आने वाली है। अरे तो तू मुझे क्यों बोल रहा है, घर पे फोन करके अपनी चाची को बोल देता। अच्छा नो रिप्लाई आ रहा है, गई होगी कहीं मंदिर दर्शन वर्शन करने, तो रामू को बोल देता ना। पता नहीं ये रामू भी साला कहाँ चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं खुद घर पे फोन करके बोल देता हूँ। ओके मालिक, मालिक, मालिक। क्या है रामू? मालिक क्या है, इतना घबराया हुआ क्यों है? घर से खत आया। अरे घर से खत आया है। अरे घर से खत आया है। रामू तू कुछ आगे भी बोलेगा या नहीं? अरे घर से खत आया है, मेरा बाप बीमार है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, घर से खत आया है। मतलब तुझे 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं मलिक, छुट्टी नहीं चाहिए, वहाँ तो हैजा फैला हुआ है। मेरे बाप को हैजा हो गया, मेरी माँ को हैजा हो गया, अड़ोस पड़ोस वाले को हैजा हो गया, सारे गांव को हैजा हो गया है। अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे भी हैजा हो जाए, फिर मैं वापिस आऊँ तो यहाँ आपको हैजा हो जाए, सेठाजी को हैजा हो जाए और दर्शना जी को भी हैजा हो जाए, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ दवाइयों के लिए कुछ पैसे भेजना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? वो तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मांगना पड़ेगा ना। क्या? हाँ अभी 300 दे दीजिए। क्या कहा? मेरी कैपेसिटी सिर्फ 300 रुपए की है? हाँ पहले तो 200 ही मांगता था, अभी 100 की बढ़ा दी, खुश हो जाइए। रामू पहले भी तू मेरी बीबी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है कह के मुझसे पैसे ले गया था, क्या किया उन पैसों का? अरे सेठ जी आपकी दया से मेरी बीबी अच्छी हो गई, मेरा बेटा अच्छा हो गया और आपको ट्रक भर भर के दुआएं दे रहे हैं, जिसको रखने के लिए आपको एक बड़ा सा गोडाउन खरीदना पड़ेगा। और सेठ जी आप तो जानते हैं कि आजकल की इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में इतनी ट्रक भर के कोई दुआएं देता है वो तो आप तकदीर वाले हैं। ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन ले, इस बार मैं सारे पैसे तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। अरे सेठ जी मेरी तनख्वाह आधे पाइजा में जितनी है, उसमें से आप काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, तो मेरी आधे पाइजा में जितनी तनख्वाह कटती कटती लंगोटी जितनी बन जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, इस बार मैं काट कर ही रहूंगा, समझे? ऊपर वाले ने मुझे दौलत उड़ाने के लिए नहीं दिए। और सेठ जी ऊपर वाले ने आपको दौलत ऊपर ले जाने के लिए भी नहीं दिए, हम जैसा को देने के लिए दिए। लाइए ले। जरा प्यार से दिया होता तो मेरा बाप जल्दी अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छा तो होने वाला ही है, हो जाएगा। वैसे तो ये रामू कामकाज में अच्छा लगता है, छोटी मोटी गलतियां कभी कभी कर लेता है, लेकिन दूसरे नौकरों जैसी बुरी आदत नहीं लगती उसमें। आगे आगे देखिए होता है क्या, धीरे धीरे पता चलेगा, समझी? मालिक मालिक मालकिन पहले पूरी सांस तो ले ले, बात भी बोल क्या हुआ। रामू ये तुम्हारे कपड़ों और हाथों में खून के दाग कैसे? हाँ मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी अस्पताल में भर्ती करके आ रहा हूँ। हाँ तो क्या है? अरे क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, बेचारी की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और आप है कि? अरे ये कोई बोलने का तरीका है? बोल क्या हुआ? कुछ पैसे चाहिए। रामू अब तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे वक्त में बेचारे की मदद करनी चाहिए और आप है कि ऐसा बोल रहे हैं? बोल कितने चाहिए? अब ऐसा तो मालिक की कैपेसिटी देख के मांगना चाहिए ना। वैसे तो ज्यादा पैसे चाहिए, मगर फिलहाल 500 से चला लूंगा, बाकी कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने कहा ना मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। पापा ऐसे कठोर मत बनिए, ऐसे मौके पर तो हमें इंसानियत बरतनी चाहिए। हाँ ऐसे वक्त पर हम काम नहीं आएंगे तो कौन मदद करेगा उसकी? हाँ, मम्मी तुम एक काम करो, आज रामू को पैसा तुम ही दे दो। हाँ, आप ही दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे पापा का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिकर मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं करता हूँ सेठानी जी, वो गिन रही है ना। 500 ले, जल्दी ले ले पैसे और अस्पताल पहुँच जा। जरा दुआ तो ले लो, भगवान
आपकी कैपेसिटी हमेशा मालिक से ऊंची रखें। धन्यवाद। देखो ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ पापा, आपने ऐसा क्यों किया? सुनना चाहते हो तो सुनो, रामू अब इस घर में नहीं रहेगा। क्यों, इसकी कोई वजह? तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन रामू इसके पहले कई बार मुझसे अलग अलग बहाने बनाकर पैसे लेकर गया है। क्या? हाँ, और आज तक एक भी पैसा मैंने उसकी तनख्वाह से काटा नहीं है। और आपने हमें बताया भी नहीं। लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। अब समझ में आया कि मैं पैसा देने से क्यों इनकार कर रहा था। लेकिन मेरे इनकार करने के बावजूद भी तुमने उसे 500 रुपये दे ही दिया। लेकिन पापा, हमें इस बात का तो पता ही नहीं था। हाँ। लेकिन अब तो पता चला ना। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या, जो होना था सो तो हो ही गया। जो हुआ सो हुआ। एक काम करते, उसकी लड़की का हालचाल देखने अस्पताल जाते, सच झूठ पता तो चलेगा। लेकिन वो किस अस्पताल में भर्ती है ये तो हमने पूछा ही नहीं। हाँ। मेरी डायरी में उसके घर का पता लिखा हुआ है, हम उसके घर चले जाएंगे। हाँ। ये ठीक है। हाँ। क्यों भाई, रामू यहाँ रहता है? हाँ सेठ जी। तो दिखाई नहीं देता, कहीं बाहर गया हुआ है? हाँ। तो उसके घर में उसकी बीवी या और कोई? अरे सेठ जी, वह तो उसकी शादी कहाँ हुई है। क्या, तो उसके बच्चे? जब ये कह रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तू भी क्या, शादी के बिना बच्चे कहाँ से आएंगे? चुप रह। ठीक है भाई, उसके बीवी बच्चे नहीं है, लेकिन उसके गाँव में उसके माँ बाप या और कोई? अरे सेठ जी, हम उसे 3 साल से जानते हैं, उसके माँ बाप तो क्या, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अरे बिल्कुल भक्कड़ है भक्कड़। क्या क्या नहीं? हाँ, ये जो कह रहा है सच कह रहा है। लो सेठ जी, ये रामू ही आ गया। अरे मालिक, आप मेरी झोपड़ी में पधारे मालिक। अरे मालिक के बच्चे, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर हमसे झूठ बोलकर कितने पैसे ऐड किया? बोल बोल। तो मैं जरूर लेके आऊ मालकिन, मगर झूठ बोल के नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मेरी बेटी का नहीं, मगर इस गरीब नत्थूराम की पगली बेटी का। क्या बात करते हो? ये बात सच्ची है सेठ जी, मैंने एक अनाथ लड़की को जो हमारी झोपड़पट्टी में रहती थी उसको गोद लिया, रुखी सुखी जो मिली वो रोटी खिलाकर बड़ी की, लेकिन बदनसीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बच्ची बड़ी तो हो गई लेकिन पागल सी हो गई है। और उसी पागलपन की हालत में वो बड़ी सड़क को पार कर रही थी, बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। नत्थू भैया ने उसको अस्पताल में भर्ती तो किया, मगर गरीब के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, जो मैंने आपसे उधार लिए और खर्च किए। आप मुझे नौकरी में रखना हो तो रखिए, इसे निकाल दीजिए। तुमने नत्थू की बेटी के बजाय अपनी बेटी बोलकर मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल बाहर करता हूँ। रामू, तुमने सच्चे जरूरतमंद की मदद की है, इसे मैं तुम्हें रखती हूँ। मैं नहीं रखता। मैं रखती हूँ। नहीं रखता। रखती हूँ। नहीं रखता। रखती हूँ। खामोश, आप दोनों चुप रहिए। अब मैं इंसाफ करती हूँ। रामू, तूने झूठ बोलकर भी इंसानियत की सेवा की है, इसीलिए आज से झूठ मत बोलना। ये नसीहत देकर मैं तुम्हें नौकरी में चालू रखती हूँ। हाँ, तुम दोनों माँ बेटी जरूरत आने पर मुझे करके सेक तो निकाल बाहर कर सकती हो, लेकिन रामू को निकाल बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि घर का सारा काम, झाड़ू बर्तन चूल्हा, वो तो रामू ही कर सकता है ना। तुम दोनों तो नहीं कर सकती। अगर आप कर सकते तो रामू को रखते नहीं। धन्य हो सेठानी, धन्य हो, किसी ने सच कहा है, जितने तारे गगन में उतने सेठ जी हो,
कृपा हो सेठानी की तो रामू की दूम नजीदी हो सियावर रामचंद्र की जय, उनके सेवक हनुमान की जय। तुमने जय जयकार क्यों नहीं किया? मैं जय जयकार क्यों करूं? अरे मैंने तुमको रामू की रामायण का उद्धार कांड सुनाया। मगर मैं तो सो गया था।